तो चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला आसमान और का बाकी सूर्य देव यहाँ तक आ गए हैं। और गौशाला की बात की जाए तो मधुर और बिंदु आराम से आज धूप सेक रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा धूप तेज लग रही है। तो आज तो वैसे संडे, अनिता जा रही है स्कूल, क्योंकि उनके स्कूल में आज कोई निबंध कार्यक्रम है। तो आज बोल रही है कि भैया बस मैं जीत के आऊंगी, तो देखते हैं क्या जीत के आती है आज। कल रात से लगी हुई थी निबंध लिखने पे, बाकी चलिए मेहनत तो बहुत कर रही है, बाकी फल क्या मिलता है तो भगवान जाने। सामने की बात की जाए तो नानी बिल्कुल तैयार हो गई है। एक्चुअली नानी की तैयारी है आज, ठीक सामने पे जो गाँव है जहाँ की मेरी बहन की शादी हो रखी है, तो कुछ महीने पहले उसकी एक लड़की हुई है, यानी कि वो है नानी की नातिड़ी की बच्ची, तो मतलब नानी की हुई वो पुतिड़ी। तो नानी आज जा रही है अपनी पुतिड़ी को मिलने, तो लगभग 3-4 महीने हो गए, तो अब जाके नानी को टाइम मिला है, बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ता है नानी को। तो नानी को ठीक सामने वाले रास्ते से जाना है जहाँ मैं अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ, और ठीक उस धार के पीछे है उसका ससुराल, तो वहाँ तक नानी को पैदल जाना है। वैसे अगर पुराने बुजुर्ग नहीं होते तो आज वहाँ सड़क होनी थी, लेकिन पुराने बुजुर्गों ने अपने खेत देने से मना किया, तो उसका खामियाजा आज के जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भुगत रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि अनिता मेरी क्या लगती है। एक्चुअली अनिता मेरे मामा की लड़की है, वो पिछले 2-3 साल से हमारे साथ रह रही है। वो जो मेरी नानी को अपनी दादी बता रही है, तो एक्चुअली वो मेरी नानी की नातिड़ी है, इसलिए वो नानी को दादी बोलती है। तो वो पिछले 3 साल से हमारे साथ रह रही है, और बाकी हमने ही वचन लिया है कि उसका कन्यादान हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी भी कोई बहन ऐसी है नहीं, तो फिर वो माँ जी के साथ भी हेल्प कर लेती है और यहीं पढ़ती है। तो अनिता जो है वो मेरे बड़े मामा जी की लड़की है। गुड मॉर्निंग बापे। फाइन बापे फाइन, कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी तो मैं घूमने से आया था, मॉर्निंग वॉक करके। अच्छा, और आज तो थोड़ी धूप बहुत तेज है आज, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, सब बढ़िया है, कोई बेचारों को तकलीफ ना कोई तकलीफ, सब बढ़िया है, सब खुश है, सब खुश है, कोई ऐसा तो नहीं है कि है? ना सब बढ़िया है, अरुचि तो नहीं पैदा कर रहे? ना अरुचि नहीं, सब रुचि ले रहे हैं। तो एक बात है, आशीर्वाद सभी को बोल देना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बोल देना का त्रिशूल की कृपा की कृपा ये देखिए साहब बनी रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार के कोई टेंशन। तो बाकी नानी और दोनों बहनों की तैयारी हो गई है ठीक सामने वाले गाँव पे जाने की। बाकी नानी जी शाम को फिर यहीं आ जाएंगे। तो ठीक सामने देखिए मंदिर के छत के ऊपर मिस्त्री चढ़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन भी होना, तो इस वजह से मिस्त्री लोग लगे हैं जल्दी जल्दी काम करने पे। देखिए जी पहाड़ों में कैसे कैसे पहाड़ियों पे लोगों ने मकान बनाए रहते हैं, अगर कभी एक भूकंप का झटका आ गया तो बहुत खतरा सामने आ सकता है। तो गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आज दोनों कर्मचारी बहुत शांत हो रखे हैं, मधुली और बिंदु। तो चले जी माँ जी ने गर्मा गर्म खाना बना दिया, तो थोड़ा खाना खाते हैं, इसके बाद हो सकता है हमारी तैयारी दिखोली गांव में हो सकती है, जहाँ की मेरी बुआ जी का ससुराल है। और आज के खाने में मटर गोभी गाजर की मिक्स सब्जी बना रखी है, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो बापे कैसा हो रहा? जानदार, चलो बढ़िया। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं अब। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाना खाने के बाद हमारी तैयारी है अभी दिखोली गांव जाने की, बाकी पिताजी भी रेडी हो गए। चलो आप ऊपर जाओ, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी सूर्यदेव ठीक यहाँ से और यहाँ तक आ गए हैं, और आज काफी अच्छी धूप खिली हुई है। तो चलिए जी धनों को स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से दिखोली गांव के लिए। तो चलिए जी फाइनली हम दिखोली के पास पहुँच गए हैं। वैसे तो दिखोली के ऊपर तक सड़क जा रखी है, लेकिन हम आज यहाँ से पैदल जाएंगे, और ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है चोनियाट गांव। आज भी आप इस गांव में देख सकते हैं जितने भी मकान हैं लगभग पठाली से बने हुए हैं, और ठीक उस गांव के सामने इस धार के ऊपर है दिखोली गांव। तो हमें इस खोरी से जाना है। तो दिखोली गांव में जाने से पहले एक रास्ते में एक होटल पड़ता है, हाल ही 5-7 दिन पहले जो होटल के मालिक थे वो मर चुके हैं, और उनको साइलेंट अटैक आया। तो देखिए जी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने भी यहाँ से सामान लिया था जब यहाँ दिखोली गांव में थोड़े हो रहे थे, लेकिन अब कुछ दिन बाद ये खबर सुनाई दे रही है। अभी तो सीधा रास्ता है, 100-200 मीटर आगे चलने के बाद हमें थोड़ा चढ़ाई चढ़नी है, और ठीक रास्ते के दाईं तरफ बह रही एक छोटी सी नदी। वैसे तो हम वहाँ बाइक से जा सकते थे, क्योंकि गाड़ी पूरी दिखोली गांव तक जाती है, लेकिन पिताजी ने कहा कि थोड़ा पैदल चलते हैं, इसी में थोड़ा शरीर भी ठीक रहेगा, और जो हमने खाना भी खा रखा वो भी पच जाएगा। और दिखोली गांव से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है, जब मैंने 2-2.5 साल पहले यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी, तो मेरी जिंदगी का जो पहला ब्लॉग था वो दिखोली गांव से ही शुरू हुआ था, और वो ब्लॉग मैंने इन्हीं रास्तों में बनाया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, तोड़ मरोड़ कर मैंने वो ब्लॉग बनाया था। और ठीक रास्ते के किनारे पे एक गौशाला है, एक यहाँ पर बैल और एक भैंस आराम कर रहे हैं। तो हमें इस पुल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर तक, और ठीक आप पुल से नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक रो बना रखा है, तो पानी को यहाँ पर स्टोर कर रखा है। एक्चुअली जो नदी का पानी है उसके आगे दीवार लगा रखी है, तो यहाँ पे लोग अपने गाय भैंसों को नहलाते हैं। और ठीक सामने पे वो जो पानी आ रहा है
वो एक नहर के द्वारा लाया जा रहा है और वहाँ जो नीचे एक कमरा टाइप का बना हुआ है वो है घराट, यानी कि पंचक्की है वहाँ पे। तो पहाड़ों में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ लोग घराट का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। इसका जो आटा है ना, हाँ, तो पौष्टिक का भरा होता है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक जो चीजें है ना, हाँ, जला देता आटे को। सही बात। और ये पंचक्की का जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे मैं इन रास्तों में आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे 2 साल पहले की याद आ रही थी जब मैं बेरोजगार था और मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी। इन्हीं रास्तों में मैं अपने ब्लॉग बना रहा था और उस समय मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं यहाँ तक आऊंगा, इतना सारा प्यार आप लोग मेरे को देंगे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते तो मेरे चैनल की जो सबसे पुरानी वीडियो है उनको देख सकते हैं। वो मैंने दिखोली गांव से शुरू की थी। तो यहाँ से चढ़ाई लगना शुरू हो जाती है। ये जो चढ़ाई है लगभग 100 से 150 मीटर की है। ये चढ़ाई 100 से 150 मीटर की है, लेकिन स्वास्थ्य का ऐसा दम निकाल देती है कि जितना भी हमारा अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देते। सही बात है। तो मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं हो रही लेकिन पिताजी को हो रही है। हालांकि थोड़ा बहुत हो रही लेकिन मैं कैमरा के आगे शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक रास्ते के बगल में देखिए एक घर है और वहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे आराम से अभी खेल रहे हैं। देखिए जी मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि जितने भी गाँव है सारे गाँव में नए प्रकार के मकान बन रखे हैं और काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जी ऊपर जाते जाते मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं और वैसा बढ़िया। चलो चलो लगे हैं सब काम पे हैं आजकल गाँव आ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे मकान दिख रहे हैं भाई साहब, नो टेंशन। तो देखिए जी काफी अच्छा लगता है जब लोग आपको मिलते हैं और बोलते हैं कि पहाड़ी भाई पी लो चाय, तो काफी प्राउड होता है कि 2 साल की जो मेहनत है अब जाकर वो सक्सेस हो रही है। लेकिन काफी बुरा लग रहा है जब पिताजी को मैं इस चढ़ाई पे दम तोड़ते हुए देख रहा हूँ। तो देखिए दम का मतलब वो नहीं कि जिंदगी छोड़ दो, दम का मतलब कि थोड़ा सांस लग रहा है। कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। और देखिए इतनी पसीना हो रही है पिताजी को यहाँ है और इस पसीने में आनंद आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है, अब थोड़ा नहीं अब ज्यादा नहीं है, 50-60 मीटर अब बस बस लगाओ आप। मेरी बुआ की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, यानी कि मेरी बुआ जब 13 साल की थी उस समय इस गांव में आ गई थी। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो बुआ जी के जो हस्बैंड हैं, यानी कि हम मामा जी बोलते हैं, बहुत सारी जगह फूफा जी बोलते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है पिछले 6-7 साल से। उनका क्या हुआ कि ब्रेन की नस दबी हुई है, तो तब से उनकी जो याददाश्त है ना के बराबर है। और उनके 2 बालक एक बालिका हैं, दोनों बालक उत्तरकाशी रहते हैं और बालिका की शादी बहुत पहले हो गई थी, वो रहते हैं मातली में, तो बालकों की भी शादी हो रखी है। तो मामा जी के साथ सिर्फ बुआ जी घर में रहते हैं, तो बुआ जी पूरा अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं, यानी कि जो 7 फेरे लिए थे उनका पूरा धर्म निभा रही है। तो मामा जी की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो ज़्यादा किसी को पहचान भी नहीं पाते हैं, ना ही किसी से ज़्यादा बात करते हैं। तो उनकी दाढ़ी बढ़ रही थी, तो बुआ जी ने कहा कि एक बार आ जाओ उनकी दाढ़ी बना देना। तो इसीलिए आज पिताजी स्पेशल नाई के तौर पर जा रहे हैं, आज अपने जिया जी की दाढ़ी बना रहे हैं। सही बात है, पता क्या है साले का धर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी की बुआ इकलौती बहन है। चलिए लगभग हम पहुंचने वाले हैं बुआ के घर में। और जब मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी तो सामने ये जो मकान है यहीं रहा था मैं और यहीं से मैंने सुबह अपने ब्लॉग बनाना शुरू किया था। चलिए जी पिछले कुछ सालों में काफी परिवर्तन आया है दिखोली गाँव में। यहाँ का जो रास्ता है पहले बहुत कच्चा था लेकिन आज यहाँ रास्ते में पत्थर बिछ रखे हैं। तो चलिए जी फाइनली मैं अपनी बुआ के घर में पहुँच गया हूँ और घर में आते ही सबसे पहले मुझे जय श्री राम दिखाई दिया। और यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी लगा रखी है ताकि कोई जंगली पशु अंदर न जाए। और ठीक मेरी बुआ के पीछे एक मकान है, तो पिताजी बता रहे हैं कि इस मकान में बहुत सालों से कोई आया नहीं है और ये मकान आज पलायन की मार झेल रहा है। और मकान के आप हालत देख सकते हैं, पूरा सीमेंट झड़ गया है और कुछ सालों तक ऐसे रहेगा तो ये मकान भी झड़ जाएगा। तो लगभग पहाड़ों में हर जगह ऐसी हो रहा है, अब पलायन के मार हर मकान झेल रहे हैं। और जैसे बुआ के घर में जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक ओखली है जिसको कि हम लोकल भाषा में उलख्यारा बोलते हैं और इसी में धान को कूटा जाता है। तो चलिए जी फाइनली जैसे घर पहुँचे वैसे मामा जी यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। मामा जी ठीक? तो चलिए जी फाइनली बुआ जी के दर्शन भी हो गए भाई यहाँ पे। आज से 15-20 साल पहले जब मैं इस गांव में आया था तो उस टाइम हर घर में रौनक बनी हुई रहती थी, लेकिन आज जो भी अगल बगल मकान दिखाई दे रहे हैं उन मकानों में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि दिखोली गांव भी काफी पलायन की मार झेल रहा है। तो बुआ जी के घर के सामने पे ठीक ये जो बेल लगी हुई है इसको हम फटेली छेमी बोलते हैं, यानी कि ये फटे के आकार में चौड़ी होती है। तो देखिए जी समय का कोई भरोसा नहीं, कुछ साल पहले मामा जी धोंतरी में खूब आते थे और मामा जी की जो जॉब थी वो उद्यान विभाग में थी और उद्यान विभाग धोंतरी में था, तो मामा जी हमारे घर कई बार आते रहते थे और काफी अच्छे थे। लेकिन उद्यान विभाग से रिटायर होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सर की कोई नस दब गई,
उससे मामा जी को ज्यादा याद रहता ही नहीं है। और अगर मामा जी की तबीयत आज ठीक होती तो मेरा रिश्ता भी आज कंफर्म लग जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि मामा जी की बहुत ज्यादा पहचान थी हर जगह। और पिताजी लोग बताते हैं कि रिश्ते के मामले में मामा जी काफी नंबर वन पे थे, मतलब मामा जी ने बहुत सारे रिश्ते लगा रखे थे। इसीलिए बोलते हैं समय का कोई भरोसा नहीं, भगवान ने किसके नसीब में कैसा लिखा हुआ हो। तो चलिए जी, फाइनली पिताजी ने मामा जी की दाढ़ी बना दी और मामा जी आप हीरो लग रहे हैं, आप हीरो लग रहे हैं मामा जी, एकदम हीरो। अब हीरो बन गए मामा जी। जहां आज के जमाने में लोग अपने बहु बेटियों के साथ शहरों में चले जाते हैं, वहीं मेरी बुआ जी ने घर में रहकर मामा जी की सेवा करने का लक्ष्य लिया है। भाई मुझे काफी गर्व होता अपनी बुआ पे, नहीं तो लोग आज के जमाने में शौक देखते हैं बच्चों के साथ चले जाते हैं शहरों में, लेकिन बुआ जी आज भी अपनी पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं। जो सात फेरे लिए हैं उनके पूरी रस्में वादे निभा रहे हैं बुआ जी, मतलब मुझे अपनी बुआ पे बहुत फक्र होता है भाई। आज के जमाने में ऐसी पत्नी किसी पति को मिलना बहुत मुश्किल है बुआ जी। बहुत अच्छा कर रहे हो आप ऐसा पुण्य का काम कर रहे हो जो शायद ही कोई इस जमाने करता होगा इतना। बुआ जी ने यही माना कि जो नसीब में है वही होना है, लेकिन अपना पत्नी होने का धर्म पूरा निभाना है। तो बाकी पिताजी ने भी साला होने का पूरा फर्ज निभाया है, बिल्कुल धोतरी से आए आज नाई के रूप में बन के और अपने जियाजी की दाढ़ी बना रहे हैं। तो मेरा भी बचपन का अधिकांश समय इन घरों में गुजरा है, मैं भी कई बार बुआ के घर में आता था। और ये सामने पे डिजाइन में जो लगा रखे हैं इनको हम जंगला बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। अब तो लोग आधुनिक जमाने में लोग ग्रिल से बनाते हैं, लेकिन उस जमाने सीमेंट के ऐसे बनाए जाते थे, और ऐसी सेम छत के ऊपर भी बना रखा है। तो ये मकान भी काफी पुराना है, इसका देखिए छत का जो प्लास्टर है वो भी झड़ने लग गया है। लेकिन जब तक मामा जी की तबीयत ठीक थी तो मामा जी काफी केयर करते थे मकान की, लेकिन पिछले 5-6 साल से जब मामा जी की तबीयत खराब हुई तब से उतना कोई ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि बुआ जी तो मामा जी की सेवा और अपने गाय भी रखी हुई है तो उसी में सारा दिन निकल जाता है। अब जिया श्री जी हीरो बन गए हैं। हाँ। या गाड़ी थी ना। हाँ। वो बिल्कुल अब कौन हो गए जजा, शाहरुख खान। शाहरुख खान लग रहे हैं। शाहरुख खान। चलिए ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत तो मामा जी को याद रहता है तो बस मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन मामा जी को ज्यादातर याद नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मामा जी भूल चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या, बल्कि मामा जी की सर की कोई नस है वो दब गई है, तो उस वजह से डॉक्टर ने कहा था या तो ऑपरेशन होगा तो दवाई से कोई असर नहीं होगा। तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ऑपरेशन में जान जा भी सकती है और बच भी सकती है, तो इसीलिए बुआ लोगों ने ये रिस्क नहीं लिया। तो बुआ ने कहा कि मैं सेवा ही कर लूंगी लेकिन ऑपरेशन ठीक नहीं, क्योंकि जब इंसान रहना ही नहीं तो क्या करना उस ऑपरेशन का। तो बुआ जी क्या बोला आपने डॉक्टर से? सही बात है, सही बात है, ये तो पाप लगना था। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुआ जी ने बोला बल्कि भाई अपने हाथ से तो हम मानने नहीं देंगे और इससे बड़े हम सेवा करेंगे, लेकिन ये कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे हम। उन्होंने बस सीधे बोला कि भाई दिमाग का ऑपरेशन हम कर लेंगे लेकिन बचने की गारंटी नहीं है, पूरा एफिडेविट भर के देना पड़ेगा कि अगर मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फिर बुआ लोग घबरा गए, तो बुआ ने कहा कि मैं सेवा ही कर लूंगी। बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब मुझे काफी गर्व होता है कि मेरी बुआ जी की ऐसी सोच है और इस उम्र में भी वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर पति को ऐसी पत्नी मिले और हर पत्नी को अच्छा पति मिले, क्योंकि आज के जमाने में सात फेरे तो लिए जाते हैं और सात वचन भी लिए जाते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। तो बुआ जी अब दिन में काम पे जाते हैं, तो मामा जी ने पत्नी क्या क्या रखा हुआ अपने कोट के जेब में, ये देखो मोमबत्ती, कोई पुरानी घड़ी, और ये कोई माला, लेटर, और ये सुई धागा, जो भी मामा जी को मिलता है, पत्थर, साबुन, सब रखे हुए जेब में। तो बुआ जी बोल रहे किसी जमाने ये पैसे से ये जेब भरे हुए रहते थे, आज मामा जी उनमें पत्थर रख रहे हैं, साबुन रख रहे हैं। तो क्या करें जी, नसीब नसीब का खेल है, पता नहीं भगवान क्या लिखता है किसी के नसीब में। और जैसे ही बुआ के घर में आए तो बुआ जी ने यहाँ गर्मा गर्म लंच भी तैयार कर दिया है, और आज बुआ ने बना रखी स्वादी हरी सब्जी और उसके ऊपर घर का घी और साथ में गर्म गर्म चाय। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ से जाने का टाइम आ गया और अब यहाँ से हम घर के लिए निकलते हैं। चलिए जी, फाइनली यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, तो मामा जी तो घर में है, बुआ जी आधे रास्ते तक जा रही, क्योंकि बुआ जी की गौशाला नीचे, तो हमें यहाँ से नीचे जाना है और बाकी बुआ को यहाँ से जाना उधर, क्योंकि बुआ की गौशाला उधर है। ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली विदा हो गए हैं, बाकी बुआ जी थोड़ा भावुक हो गए थे, है बापे? थोड़ा बुआ जी भावुक हो गए, क्योंकि दीदी का मेरा ना बचपन में बहुत होता। तो दरअसल जब बचपन में बुआ जी अपने ससुराल आते थे तो पिताजी छोड़ने आते थे, मैं छोड़ने आते कई बार आते थे बुआ जी को छोड़ने,
फिर वो सारी बचपन की यादें ताजा हो जाती है ना। चलिए यही एक रिश्ता है जो याद रहता है। तो बुआ जी अभी भी अपने गौशाला से हमें देख रही है और वो निगाहें हमारी तरफ है। पुराने जमाने के जितने भी लोग हैं भाई उनके अंदर मर्म होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पिताजी भी देख रहे हैं अपनी दीदी को। चलिए चलते हैं।